और चलो लिबर्टी वाला इन केस यू पीपल फील लाइक तब डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए। देखो असल में अंबेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, अभी जस्ट मैंने उसका राइटअप मतलब इन लोग को लिखवाया है, आप वीडियो से एक बार देख करके तीन चार पॉइंट्स जो है वो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर अपन अभी जस्ट डिस्कस करें या फिर आप लिख कर लोगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। यू राइट दिस आंसर, आई वुड सजेस्ट, ठीक है ना। नहीं तो फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, बोलोगे कल डिस्कस करेंगे, बोलोगे आज डिस्कस कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है, वहां पे देखो कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। वन डी, क्योंकि देखो टूल्स ऑफ लेजिटिमेशन है ना, इसके पॉइंट्स तो आपके पास पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नहीं, कुल मिलाकर हमें वेबर को लाना है और उसके बाद फिर क्या क्या उसने बोल रखा है और लास्ट में आप हैबरमास का लेजिटिमेशन क्राइसिस दे दोगे और आप उसमें कंटेम्प्ररी जो एग्जांपल्स हैं आप वो भी लिख दोगे। कंटेम्प्ररी एग्जांपल्स आप बात करोगे ना, जैसे यूएस में जो मूवमेंट चलता है नॉट माय प्रेसिडेंट, यू कैन एक्चुअली गिव रेफरेंस टू दिस। हाँ बिल्कुल, ये डिबेट हम डेफिनेटली, क्योंकि लेजिटिमेशन टू बात है कि यहाँ पे आपने जो बात किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वो मार्क्सिस्ट वगैरह वाले नहीं लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इज स्पेसिफिक अबाउट टूल्स। और एक्चुअली जो आपने वन डी सी बोला ना, वन सी मेरे फोकस में था। आप लोग लिखो इस क्वेश्चन को, जस्ट अ 10 मार्क, राइट व्हाट एवर यू वांट, लिखो जो, क्यों लिखो जो लिखना है, बिकॉज देखो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे लिखने को मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला सही है, ये तो मैं भी सोच रहा था। आई वांट टू सी कि आप क्या सोचते हो, अगर रिवीजन नहीं है तो बता दो, फिर भी कुछ लिखो, जस्ट राइट इट। तभी तो मैंने बोला लिखो। वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं है, उसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना है मुझे लग रहा है, बट बाकी स्पेसिफाई करने में स्टार्टिंग से लिख पाएंगे, थोड़ा सा लिख रहे हैं बाकी लोग। सो जस्ट स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम, स्टार्ट बाय डिफाइनिंग इट। हाँ देखो आप इसे टेलियोलॉजिकल बोल सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। तो ठीक है हम बोलेंगे टेलियोलॉजिकल, इंट्रो में तो सही है, इसके आगे क्या। हाँ या सीधे कैसे, हाँ हो गया, थोड़ा मैं आपका देखता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे अपन को एक आइडिया तो मिल जाएगा ना। इसमें देखो क्या दिक्कत है आपको,
ये 10 मार्कर है और आपने क्वालिटी ऑफ आउटकम यहां तक नहीं बताया, आप बाद में वन ऑफ द टाइप्स ऑफ, आपने इस क्वेश्चन को एज ए इक्वालिटी डिस्कस किया है। क्वेश्चन इज नॉट कि इक्वालिटी एज ए पॉलिटिकल आइडिया, तभी आपका बिल्कुल सही रहता। क्वेश्चन इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया। डायरेक्टली ऊपर से ये 10 मार्कर है, तो 10 मार्कर में तो ज्यादा आप इधर उधर की बात भी नहीं कर सकते हो ना। एग्जैक्टली तभी मैंने इनसे बोला ना कि एटलीस्ट यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन की क्वालिटी ऑफ आउटकम है क्या, क्योंकि आप देखो आप खुद ऊपर से पढ़ते जाओगे, आप सब आपने डिस्कस किया है इक्वालिटी एज ए पॉलिटिकल आइडिया, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां यही तो अपन को वीड आउट करना है। थिंकर्स को लॉ, थिंकर्स को लॉ, जीएस की तरह नहीं, सही जा रहे हो। थिंकर्स को लॉ कौन क्रिटिसाइज करता है इस तरह के आइडियाज को, पूरा लिबरल जमात बैठा हुआ है, तो नाम लिखो उनके आइडियाज लिखो। सही है, सही जा रहे हो, एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड, सही जा रहे हो। इनफैक्ट आपने वो जो सोशलिस्ट लिखा है ना, एक्चुअली वन ऑफ द सोशलिस्ट ओनली जिसने जीबी शॉ ने बात कही क्वालिटी ऑफ आउटकम की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लिखते रहो कोई दिक्कत नहीं। कोटेशन नीचे बोले फ्रॉम एवरीवन अकॉर्डिंग टू क्या था मार्क्स, हां ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। मुझे भी ये वाला लाइन भी एक्सप्लेन करना है। तो अपन को देखो, अपन को इस क्लास में वही करना है, अपन को एक्सरसाइज ही वाला करना है। कोई बात नहीं, जो आइडिया आ रहा है स्ट्रक्चर नहीं भी बन रहा, जस्ट राइट इट। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि दिमाग में क्या क्या चल रहा है, जस्ट राइट इट। जो भी दिमाग में स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड है जस्ट राइट इट। आई नो, और हकीकत ये बात आपकी सही है कि इसके ज्यादा सपोर्टर हैं भी नहीं। इसमें देखो जानबूझ के नहीं लाना है इंडियन थिंकर को, वेस्टर्न और इंडियन को, अनलेस द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, नहीं लाना, क्योंकि हमें ये रहती है कि कोई नहीं मिल रहा है तो एक इंडियन को डाल दो। तो आप कंक्लूड कैसे करोगे, आपने क्वेश्चन को ही रिजेक्ट कर दिया कंक्लूजन में। तो क्रिटिसिज्म, मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, आपने कंक्लूजन अभी बोला था ना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल डियोंटोलॉजी तो आप बात कर सकते हो, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि डू नॉट टॉक अबाउट, क्योंकि अगेन डियोंटोलॉजी इज आल्सो एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन, क्योंकि आप जितने भी डियोंटोलॉजिकल थिंकर सारे के सारे आइडियलिस्ट हैं। आप डियोंटोलॉजी टीलियोलॉजी से निकल के लिबरलिज्म मार्क्सिज्म फेमिनिज्म इन पर आओ, उधर मत घूमो। लिबरलिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म क्या कहता है, हाँ 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 बिल्कुल 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 जस्ट राइट। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग में क्या दिक्कत हो गई, आपने पहले क्रिटिक लिख दिया फिर आप सपोर्टर का नाम लिख रहे हो, पहले सपोर्टर आएगा उसके बाद क्रिटिक का नाम आएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो ये हर क्लास में चलनी है, इसलिए रिवाइज करके आना।
और किसी तरह का हेजिटेशन शर्म भी नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं दूसरे से तीसरे टेस्ट होने होने तक आंसर राइटिंग गारंटी इंप्रूव मैं करा, क्योंकि जब फोकस डायरेक्शन मिल जाता है ना कि क्या लिखने का क्या नहीं लिखने का, एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, डिफरेंस फेमिनिज्म की आप बात कर सकते हो, उतना आगे 10 नंबर का है यार, उतना आगे क्यों जाने, उससे पहले ही रहो ना। क्योंकि मार्क्सिस्ट की आप बात कर सकते हो, आप लिबर्टेरियन न्यू लिबरल्स की आप बात कर सकते हो, आप जो एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हो वो क्या है, वो इसका क्रिटिसिज्म ही तो है ना। उसके बाद आप हायक का सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट ही पूरे का पूरा रिजेक्ट कर रहा है। जस्ट थिंक, आपको सारी की सारी चीजें अपने आप मिलने लगेंगी क्योंकि सब आपके पास है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हकीकत में इसके सपोर्टर नहीं है। एंड दैट इज वाई इस तरह का सवाल इन्होंने दे दिया है, दे ऑल्सो नो इट। जैसे कि आप देख रहे हो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द स्टेट, कुल मिलाकर आपको इसमें कैथरीन मैकिनॉन ऊपर से नीचे तक प्रिंट कर दो। एक साल में वो था ना, क्या था, पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ स्टेट, जबकि हकीकत है देयर इज नो पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ स्टेट। सो रादर देन दैट यू हैव टू डिस्कस थियरीज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। तो इस तरह की चीजें होती हैं। देखते हैं इस बार क्या है। नाइस, गुड, अब सही आया है, अब सही है। इनफैक्ट फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये सब नहीं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन आइडिया ऑफ इक्वालिटी ना। क्वेश्चन सिर्फ एक आइडिया ऑफ इक्वालिटी के बारे में है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया। हाँ हाँ, द डोमिनेंट व्यू जो लिबरल व्यू है वही क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लीगल इक्वालिटी, ठीक है। ये सही आया है, ये सही आया, आपका जो स्ट्रक्चर जा रहा है ना ये सही आया है। इसी तरह से अपन को काम करना है। लेफ्ट साइड वाले आपका नाम क्या, अपना नाम, अच्छा शुभम, हाँ होता है, बहुत नॉर्मल है। चलो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा इस सवाल को। इक्वालिटी ऑफ आउटकम है जो पॉलिटिकल आइडिया, एंड इट्स बट नेचुरल कि इसमें आपके पास वर्ड्स कम रहेंगे, नो इश्यूज, ठीक है ना। इसके इंट्रोडक्शन में व्हाट आई वुड राइट, आई वुड हैव रिटन इसकी रादर देन डीओंटोलॉजी टीलियोलॉजी। अच्छा हाँ बिल्कुल दो, डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिक गुड्स इन अ मैनर सो दैट देयर इज अ फेयर, देखो आपने लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, आपने जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा ना वो नहीं है। हाँ, फेयर की जगह इक्वल, फेयर की जगह आपको इक्वल लिखना था, ठीक है। यूटोपियन नोशन, एक्चुअली मैं इसी के साथ इंट्रोड्यूस करता है।
देखो मार्क्सिस्ट दे डू नॉट सी इट इन अ पॉजिटिव लाइट, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सही जा रहा है, सही जा रहा है, नाइस। देखो हकीकत व्हाट आई वुड हैव इंट्रोड्यूस इज की इट इज अ रेडिकल यूटोपियन आइडिया, आई विल नॉट एसोसिएट इट विथ एनी आइडियोलॉजी। इट इज अ रेडिकल, यू एक्सेप्ट इट, इट इज अ यूटोपियन। क्योंकि देखो यूटोप, देखो यूटोपियन का क्रिटिकल नहीं, यूटोपियन बिकॉज द फैक्ट इज इट इज एन यूटोपियन आइडिया, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। हर क्योंकि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसने बात किया देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ आउटकम। देखो बात है कि ये जीएस का पेपर नहीं है, ये कुल मिलाकर ऑप्शनल का पेपर है, ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ठीक है आप यूटोपियन वर्ड इफ यू फील लाइक काट देना, बट ज्यादा बेटर होगा इट इज अ रेडिकल, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज यूटोपियन पीपल ओनली हु टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, विच जो उसके बाद जो आपने लिख रखा है विच टॉक्स अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वल ओनरशिप इररेस्पेक्टिव ऑफ हाँ इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एंड एफर्ट्स। उसके बाद यू कैन मेंशन दैट थिंकर्स लाइक जीबी शॉ, नहीं वो हाँ वो तो बाद में आएगा क्रिटिसिज्म। उसके बाद क्या है, दी आइडिया एम्स टू इंश्योर दैट सोसाइटी रिमेन्स इक्वल एंड देर इज नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास कास्ट स्टेटस और एनी अदर एस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज सो दैट हार्मनी कैन प्रिवेल। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है भारी भरकम, लेकिन थोड़ा लगता है कि भारी भरकम है। हाँ मोटिव बता दो, क्योंकि मोटिव किसके पीछे का पर्पस क्या है। ठीक है, अब देखो एक मिनट के लिए क्रिटिसिज्म अपने पास है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये एक मार्क्सिस्ट आइडिया है, ये गलत है, क्योंकि कैपेबिलिटी ये मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दिया था जो बुक इनकी थी द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। सो द मोमेंट ही इज टॉकिंग अबाउट ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी इट मींस एबिलिटी ऑफ एवरीवन इज नॉट इक्वल, सो हाउ कैन मार्क्स टॉक अबाउट इक्वल आउटकम। देन व्हाट ही इज सेइंग दैट ईच अकॉर्डिंग टू नीड, बिकॉज व्हेन इट इज मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, जब पहले सोशलिज्म था उस समय इन्होंने बोला था ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, when it transforms to Marxist communism, then it becomes each according to need. And in that book, Marx himself has explained ki suppose there are two people, one is married and another is unmarried. Aur agar main dono ko equal resource deta hoon, it's but natural ki one will be less advantaged, another will be more advantaged. क्योंकि जो मैरिड पर्सन है ही हैज गॉट ग्रेटर नीड्स एंड द वन हु इज अनमैरिड ही हैज गॉट लेसर नीड्स। सो इन सच अ केस क्या होगा, जो अनमैरिड है उसके पास देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स मींस अनइक्वल इकोनॉमिक फैसिलिटीज, दिस विल अल्टीमेटली लीड टू क्लास डिस्टिंक्शन। तो दैट इज वाई मार्क्स इन हिज कम्युनिस्ट सोसाइटी ही हैज टॉक्ड अबाउट ईच अकॉर्डिंग टू नीड, जब आपको जरूरत के मुताबिक ही दिया जाएगा आपके पास ज्यादा रहेगा ही नहीं, सो अल्टीमेटली सोसाइटी में हर कोई बराबर रहेगा। मार्क्स, यस मार्क्स हैज क्रिटिसाइज, मार्क्स हैज सेड, इवन एंजल्स हैज सेड, एंजल्स हिमसेल्फ हैज सेड कि
मार्क्स हैज नेवर टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। और आप ये जो फेमस सी लाइन है, इस फेमस लाइन के मुताबिक खुद देख लो, हाउ दे कैन टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम व्हेन दे देमसेल्व्स आर टॉकिंग अबाउट ईच अकॉर्डिंग टू नीड। सो रादर देन टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, आप आगे क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो दैट रादर देन टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, मार्क्स हैज टॉक्ड अबाउट सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। लिबरल्स के केस में इट इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस तरह से उसके बाद आप न्यू लिबरल का भी मेंशन कर सकते हो उसके साथ, जो हायक ने सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिया है, हाँ, दैट इन द नेम ऑफ इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस स्टेट गोज टू इंक्रीज इट्स पावर एंड दैट हिंडर्स ह्यूमन लिबर्टी। सो रादर देन फोकसिंग ऑन इक्वालिटी ऑफ आउटकम दे टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या फिर वो एंटाइटलमेंट थियोरी दैट देयर एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें सब हम इक्वालिटी इक्वालिटी डालेंगे, बिकॉज दीज आर देखो सीधे का सीधा है कि रादर देन टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, मार्क्स हैज टॉक्ड अबाउट सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। यस, लेकिन तो जब बात हम कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम की, तो मार्क्स ही हिमसेल्फ हैज सेड कि अगर हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं देन दिस प्रिंसिपल इटसेल्फ विल गेट वायलेटेड, सोसाइटी कैन नॉट रिमेन इक्वल। ऊपर से आप इंटरव्यू में थोड़े ना बैठे, अगेन अफर्मेटिव एक्शन इज नॉट अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, वो है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी सो दैट अ लेवल प्लेइंग फील्ड कैन बी क्रिएटेड। हाँ हाँ बिल्कुल, अंबेडकर जो पूरे का पूरा आइडिया है अफर्मेटिव एक्शन, थोड़ी देर पहले व्हेन वी टॉक्ड अबाउट स्टेट सोशलिज्म, उसके पीछे का तो पर्पस यही था ना। ये कुछ छोटे छोटी चीजें हैं जो बस समझ की बात है। ठीक है, तो अब इसे कंक्लूड कैसे करना है, नहीं देखो ये नहीं लिख, पहली बात मोर क्रिटिक्स देन ये, क्योंकि आपने नंबर काउंट नहीं किया है, वो आपके आंसर में यू आर पुटिंग दैट नंबर, यू हैव नॉट काउंटेड दैट नंबर, पॉइंट नंबर वन। अनफिजिबल वो भी नहीं लिखना है, हम मार्क्सिज्म के केस में कभी लिखते हैं कि इट इज अनफिजिबल, क्यों एग्जैक्टली ये भी जब आइडिया है देन व्हाई टू टॉक इट कॉल इट अनफिजिबल, एग्जैक्टली सो दैट इज व्हाई द आइडिया विल रिमेन विल कंटिन्यू टू ड्राइव। हाँ, मोर सब्सटेंटिव व्यू ऑफ इक्वालिटी एंड इट विल कंटिन्यू टू ड्राइव द थिंकर्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर इक्वल सोसाइटी। सीधे का सीधा उसके साथ हमें खत्म करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी मोर इक्वल मोर जस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल साइंस का फोकस क्या है, इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। सो थ्रू आउट हम मार्क्सिज्म को क्या कहते हैं, इट विल रिमेन रेलिवेंट एज अ क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म एंड मेक लिबरलिज्म या मेक कैपिटलिज्म मोर ह्यूमेन। उसी तरह से हम इसे एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर देंगे, तो वो कहीं नहीं लिखना है मोर क्रिटिक एंड वगैरह वगैरह। हाँ, सपोज करो कि फासिज्म वगैरह में है, वहां पे बिल्कुल आप क्रिटिकली कंक्लूड करोगे दैट इट रिमेन्स अ थ्रेट एंड इट विल कंटिन्यू टू गाइड द सोसाइटी टू अवॉइड सच
और प्रीएम्प्ट सच थ्रेट्स, वहां पे रखेंगे। उसके अलावा बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी ऑल एस्पायर, वी ऑल डिजायर कि सोसाइटी शुड बी इक्वल, इसलिए हम इसका नेगेटिव कंक्लूजन उस तरीके का नहीं करेंगे। ठीक है, और कंक्लूजन के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना, अब इस तरह का सवाल हैंडल हो जाएगा। तो देखो, जो मैं इंट्रो और कंक्लूजन की बात बता रहा हूं ना, आप उसे नोट डाउन करके और उससे आप जो आइडिया डिराइव कर रहे हो ना, वो सारे लिखते जाना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज आइडियाज, दो नॉट द वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेंगे, बट आइडियाज वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन ऑल आर आंसर्स। ठीक है,